नमस्कार दर्शकों, मैं आरिष अग्नोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु और केतु का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। राहु केतु अगले 18 महीने तक वृश्चिक राशि वालों को क्या फल देने का काम करेंगे, अगले 18 महीने आपके कैसे बीतने वाले हैं, 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है। जब भी राहु केतु का राशि परिवर्तन होता है, एक महीने पहले से ही फल देखने को मिलते हैं। यदि शुभ है तो शुभ फल देखने को मिलेंगे, यदि आपकी राशि के अनुसार से अशुभ है तो अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। चार ग्रह जिनका प्रभाव हमारे ऊपर सबसे ज्यादा होता है, राहु, केतु, शनि और गुरु, ये चार ग्रह बड़े ग्रह माने जाते हैं। जब भी इनका राशि परिवर्तन होता है, हमारे जीवन में विशेष बदलाव देखने को मिलता है, क्योंकि ये ग्रह लंबे समय के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और लंबे समय तक एक ही भाव में गोचर करते हैं। इसी कारण से इनका जब भी बदलाव होता है तो हमारे जीवन में विशेष बदलाव देखने को मिलता है। अब अगले 18 महीने आपके कैसे रहने वाले हैं, राहु केतु आपको कैसे फल देने का काम करेंगे, क्योंकि यही ग्रह सबसे ज्यादा परेशान करने का काम करते हैं। राहु केतु यदि किसी की कुंडली में किसी की राशि के लिए यदि शुभ है तो बहुत ज्यादा तरक्की करवाते हैं, लेकिन यही राहु केतु यदि राशि के अनुसार से अशुभ चल रहे हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए 2023 से 2025 तक का समय कैसा रहने वाला है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह जानिए कि यह फल आदेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। अभी तक आपकी कुंडली में राहु जो है छठे भाव में गोचर कर रहे थे, मेष राशि में गुरु के साथ चांडाल योग बना करके गोचर कर रहे थे, इस कारण से अशुभ परिणाम भी देने का काम कर रहे थे, और केतु जो है 12वें भाव में, व्यय भाव में, नुकसान के भाव में, खर्चों के भाव में जो है यहाँ पर केतु का गोचर चल रहा था। और अभी 30 अक्टूबर 2023 तक राहु आपके छठे भाव में ही रहेंगे और केतु आपके 12वें भाव में रहेंगे। 30 अक्टूबर 2023 को केतु जो है आपके लाभ भाव में आ जाएंगे। यहां पर सभी ग्रह अच्छे फल देने का काम करते हैं और राहु जो है छठे भाव को छोड़ करके आपके पंचम भाव में, त्रिकोण भाव में गोचर करेंगे, तो यहां पर राहु अच्छे फल देने का काम करते हैं। तो राहु और केतु का जो बदलाव है ये आपके लिए काफी विशेष है। गुरु जो है छठे भाव में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और 30 अक्टूबर तक गुरु जो है राहु के साथ चांडाल योग में रहेंगे, इस कारण से गुरु अपने शुभ प्रभाव जो है 30 अक्टूबर तक नहीं दिखा पाएंगे। 30 अक्टूबर के बाद गुरु के अच्छे फल आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक राहु आपको अच्छे परिणाम इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि अपने शत्रु के साथ गोचर कर रहा था। राहु के शत्रु गुरु है और गुरु के शत्रु राहु है, दोनों आपस में शत्रुता भाव रखते हैं, इसी कारण से कोई शुभ परिणाम देखने को नहीं मिले। जबकि छठे भाव में राहु और गुरु की युति कर्जे बढ़ाने का काम किया, खूब संघर्ष करवाने का काम किया, कई लोगों के ऊपर तो केस चालू हो गए। यहां पर देखा जा रहा है कंपटीशन में भी असफलता देखने को मिली, शिक्षा में भी जो है कहीं ना कहीं बाधा डालने का काम किया, और राहु यहां पर बैठ करके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालने का काम कर रहा था, क्योंकि ये रोग का भाव है तो रोगों में वृद्धि करने का काम कर रहा था। अब राहु और गुरु की समान दृष्टि होती है, पांचवी, सातवीं और नौवीं एक समान राहु की भी होती है और गुरु की भी। अब दोनों ग्रहों की दृष्टि, पांचवी दृष्टि आपके कैरियर के भाव में पड़ रही थी और 30 अक्टूबर 2023 तक ये दृष्टि यहां पर पड़ेगी आपके कैरियर के भाव में। तो कैरियर में यहां पर देखा जाए तो बदलाव जो है वो संभव है। कई लोगों की नौकरी चली गई होगी, कई लोगों को देखा गया कि व्यापार ठप्प हो गया, कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है, कई लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है,
कई लोग नई नौकरी की तलाश में है, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो ये सब समस्याएं जो है चल रही है। और ये समस्याएं लगभग लगभग जो है सितंबर के महीने तक चलेंगी, क्योंकि एक महीने पहले से ही राहु जो है शुभ परिणाम देने का काम करेंगे और केतु भी स्वतंत्र रूप से हो जाएंगे, तो ये भी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करने का काम करेंगे। तो दोनों ही ग्रहों की दृष्टि आपके कैरियर के भाव में, दशम भाव में अशुभ फल देने का काम कर रही थी। आप मेहनत तो खूब कर रहे थे लेकिन सफलताएं आपको नहीं मिल रही थी। वही इन दोनों ग्रहों की दृष्टि आपके बारहवें भाव में पड़ रही थी, जो कि खर्चे खूब करवा रही थी, आय कम हो रही थी, व्यय ज्यादा हो रहा था। जो लोग विदेश जाना चाहते थे उनकी फाइल कहीं अटक गई, विदेश का योग ही नहीं बन पाया, पैसे बर्बाद हो गए। ग्रीन कार्ड के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे थे वहां पर भी काम नहीं बन पाया। तो कहीं ना कहीं दोनों ग्रहों की दृष्टि यहां पर भी अशुभ परिणाम देने का काम कर रही थी। इन दोनों ग्रहों की दृष्टि नवम दृष्टि धन भाव में भी पड़ रही है और 30 अक्टूबर तक पड़ेगी। राहु और गुरु की दृष्टि धन भाव में, गुरु यदि शुभ हो तो धन में वृद्धि करता है, लेकिन राहु के साथ दूषित होने के कारण धन में हानि करने का काम करता है, व्यय करता है, पैसा बच नहीं पाता है। आवक जो होती है वो जो है पूरा व्यय हो जाती है, नुकसान हो जाता है और फालतू खर्चे हो जाते हैं। ये कुटुंब परिवार का भी भाव है, तो कहीं ना कहीं राहु और गुरु कुटुंब परिवार में भी विवाद उत्पन्न करने का काम जो है यहाँ पर कर रहे थे, उग्रता देने का काम कर रहे थे और कई बार गलत डिसीजन देने का भी काम यहाँ पर दोनों ही ग्रह कर रहे थे। लेकिन 30 अक्टूबर 2023 को राहु आपके पंचम भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर अच्छे फल देने का काम करते हैं, और गुरु छठे भाव में ही अपने शुभ फल देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से गोचर करेंगे 30 अक्टूबर के बाद, और अपने मित्र के घर में गोचर कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि यहां पर अच्छे फल देने का काम करेंगे। अब 30 अक्टूबर के बाद क्या क्या लाभ देंगे गुरु? कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेंगे, रोगों को दूर करने का काम करेंगे, ऋणों को समाप्त करने का काम करेंगे, आपका कर्जा भी कम करेंगे, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, क्योंकि यहां पर राहु गुप्त शत्रु भी पैदा कर देता है, तो गुप्त शत्रुओं को जो है समाप्त करने का काम जो है गुरु करेंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में कहीं ना कहीं फैसला आपके पक्ष में जो है रहेगा। साथ ही साथ जो है गुरु कैरियर भाव को देखेंगे, गुरु की दृष्टि बहुत ही शुभ मानी जाती है, तो कैरियर भाव को जब गुरु देखेंगे तो कैरियर में जबरदस्त बदलाव देने का काम करेंगे, प्रमोशन भी देने का काम करेंगे, यदि आप कहीं ट्रांसफर चाहते हैं तो ट्रांसफर भी करवाएंगे, साथ ही साथ नई नौकरी के योग बनेंगे और जो लोग पहले से ही नौकरी कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं ग्रोथ देने का काम करेंगे, प्रमोशन देंगे, तो ये अच्छी स्थिति रहेगी आपके कैरियर के लिए। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी ये लाभ देने का काम करेंगे, आपका व्यापार बहुत अच्छा रहेगा 30 अक्टूबर 2023 के बाद। साथ ही साथ जो है स्वयं का कोई काम यदि आप कर रहे हो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। गुरु की बारहवें भाव में दृष्टि रहेगी सप्तम दृष्टि, जो कि विदेश के लिए अच्छा योग बनेगा, विदेश नौकरी के लिए जा सकते हो, व्यापार के लिए जा सकते हो, घूमने के लिए जा सकते हो, तो विदेश में भी लाभ देने का काम करेंगे। और गुरु अपने भाव को देखेंगे, धन भाव के गुरु कारक भी माने जाते हैं, गुरु धन के कारक है, गुरु विवाह के कारक है, संतान के कारक है, शिक्षा के कारक है, ज्ञान के कारक है, और अभी दूषित थे इस कारण से जो है इन सभी क्षेत्रों पर कोई शुभ परिणाम देखने को नहीं मिला। अब धन भाव को देखेंगे, अपने भाव को देखेंगे तो धन में बढ़ोतरी करने का काम करेंगे, स्थायी संपत्ति में वृद्धि करने का काम करेंगे, आपकी आय को बढ़ाने का काम करेंगे, कहीं ना कहीं स्रोत पैदा करने का काम करेंगे, आमदनी आपकी बढ़ जाएगी और कुटुंब परिवार में भी लाभ देने का काम करेंगे। तो ये बहुत अच्छी स्थिति जो है 30 अक्टूबर के बाद बनेगी। वही शनि जो है अपनी स्वयं की राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। हालांकि वृश्चिक राशि वालों की ढैया चल रही है, ढैया का प्रभाव है, लेकिन ढैया के कोई खास अशुभ परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि शनि अपनी प्रिय राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और ये मूल त्रिकोण की भी राशि है, सस नामक राजयोग भी बना रहे हैं, तो यहाँ पर शनि अच्छे ही फल देने का काम करेंगे, आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे। और शनि अभी अच्छी स्थिति में गोचर भी कर रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। और शनि यदि अच्छे हैं तो राहु अच्छे फल देंगे, और शनि यदि खराब है तो फिर राहु भी कहीं ना कहीं खराब परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि अभी तक शनि की मजबूत स्थिति नहीं थी, इसी कारण से राहु ने कोई शुभ परिणाम देने का काम नहीं किया। अब स्थिति अच्छी बन रही है, 30 अक्टूबर के बाद राहु स्वतंत्र रूप से गोचर करेंगे पंचम भाव में, और केतु स्वतंत्र रूप से गोचर करेंगे आपके लाभ भाव में। यहां पर यदि देखा जाए तो राहु 30 अक्टूबर के बाद कहीं ना कहीं आपको शेयर मार्केट में लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन शेयर मार्केट में कई बार यहां पर जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। अचानक जुआ, लॉटरी, सट्टा, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इसमें जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। फिर भी आपको बच करके काम करना चाहिए, क्योंकि ये यहां पर बर्बाद करने का भी काम करते हैं। राहु यदि अशुभ है तो आपको बर्बाद कर देंगे, आप शेयर मार्केट में आएंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे और पूरा लॉस हो जाएगा। तो यहां पर थोड़ा सावधानी पूर्वक आपको काम करना है और दूसरों की एडवाइज लेकर के ही काम करना है, तो ही सफलता आपको मिलेगी। अपने से यदि आप काम करोगे तो नुकसान की स्थिति यहां पर ज्यादा बनेगी, इसलिए ध्यान रखना है। शेयर मार्केट में आपका मन तो लगेगा, क्योंकि 18 महीने तक राहु जो है आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, और यहां पर राहु जो है कहीं ना कहीं अचानक बड़ा लाभ देने का भी काम करते हैं। कोई लॉटरी लग जाना, कहीं से पैसे आ जाना, गुप्त धन प्राप्त हो जाना, फाइनेंशियल स्थिति को यहां पर राहु मजबूत करने का काम करते हैं। और पंचम भाव आपकी शिक्षा का है, तो कई बार शिक्षा में व्यवधान भी पैदा करते हैं, कई बार उच्च शिक्षा के योग बनते हैं, तो दोनों ही स्थिति यहां पर राहु की रहती है, इसलिए विशेष रूप से यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। सतर्कता से यदि आप काम करोगे तो आपको लाभ मिलेगा, और सतर्कता से काम नहीं करोगे, ध्यान नहीं रखोगे, तो यहां पर नुकसान की स्थिति भी बन सकती। प्रेम विवाह के योग बनाने का काम यहां पर राहु करेंगे, फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करने का भी काम करेंगे, संतान की चिंताओं को दूर करने का भी काम करेंगे, लेकिन यहां पर बैठ करके पेट से जुड़ी हुई समस्याओं को भी देने का काम करते हैं, इसलिए खान पान पर आपको ध्यान रखना है। राहु की पंचम दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ेगी, भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, अचानक आपका भाग्य परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि राहु अकस्मादिक ग्रह है, ये जो भी करते हैं अचानक करते हैं, अचानक बड़ा लाभ भी दे सकते हैं, अचानक बड़ा नुकसान भी कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में राहु अच्छे हैं तो अचानक बड़े बड़े लाभ मिलेंगे आपको, और यदि राहु आपकी कुंडली में खराब स्थिति में है तो अचानक बड़े बड़े लॉस हो सकते हैं। तो यहां पर यदि देखा जाए तो भाग्य भाव में राहु कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे, जो आपने कभी सोचे ही नहीं वो करवाने का काम राहु करते हैं। राहु अचानक जो है रंक से राजा बना देते हैं, और यदि यही खराब हो तो राजा से रंक बनाने में भी देरी नहीं होती, तो यहां पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। लाभ भाव में राहु रहेंगे तो दो नंबर के धंधे करवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बड़ा लाभ छोटे मोटे में राहु का काम चलता नहीं है, बड़ा लाभ चाहिए तो कहीं ना कहीं दो नंबर के धंधे करवाने का काम करेंगे। उसमें यदि आप बच करके सतर्कता से काम करेंगे तो आप सफल होंगे, और नहीं तो फंसाने का भी काम करेंगे, क्योंकि ये जब भी बड़ा लाभ देते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानियां भी साथ में देते ही देते हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक आपको काम करना है, बचाव जरूर करना है। अब राहु की नवम दृष्टि आपके राशि पर भी पड़ेगी, तो आपको कंफ्यूज भी करने का काम करेंगे, डिसीजन लेने में थोड़ी समस्याएं भी देने का काम करेंगे। कई बार अच्छे अच्छे डिसीजन आप ले लोगे, आपके जैसा कोई डिसीजन ही नहीं ले पाएगा, और कई बार जो है अच्छे डिसीजनों को खराब डिसीजन ले लोगे, इसलिए सोच समझ करके आपको काम करने की जरूरत रहेगी। राहु वैसे यहां पर अच्छे ही परिणाम देने का काम करते हैं, अधिकतर अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन कुछ चीजों पर नुकसान भी करने का काम करते हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक यदि आप काम करोगे तो जरूर आपको लाभ होगा। राहु यहां पर सदैव अच्छे परिणाम ही देने का काम करते हैं, क्योंकि ये जो भाव है ये त्रिकोण का भाव शुभ भाव माना जाता है, और यहाँ पर प्रायः कितने खराब ग्रह हो फिर भी सपोर्ट करने का काम करते हैं। और लाभ भाव में केतु का गोचर सदैव अच्छा माना जाता है, लाभ देने का काम करते हैं, आय में वृद्धि करने का काम करते हैं, धन के स्रोत पैदा करने का काम करते हैं, ठेकेदारी करवाने का काम करते हैं, बड़े बड़े टेंडर दिलाने का भी ये काम यहाँ पर करते हैं, तो कई सारे स्रोतों को पैदा करने का काम भी केतु लाभ भाव में करते हैं। अब इनकी पंचम दृष्टि तृतीय भाव में बल पराक्रम में वृद्धि करवाएंगे, संघर्ष
करवाएंगे और सफलता भी देंगे, यात्राओं से आपको लाभ भी देंगे। ग्रीन कार्ड यदि बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए भी समय बढ़िया है। पंचम भाव में सप्तम दृष्टि रहेगी, शिक्षा, संतान और प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम करेंगे, फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करेंगे। वैवाहिक जीवन के भाव में केतु की दृष्टि रहेगी, वैवाहिक जीवन को भी सुधारने का काम करेंगे, पार्टनरशिप में भी लाभ देने का काम करेंगे और दैनिक आय में भी वृद्धि करने का काम जो है केतु करने वाले हैं। तो केतु यहाँ पर सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं और राहु भी यहाँ पर अच्छे ही परिणाम देने का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक लगन वालों के लिए, दोनों के लिए जो है राहु केतु का राशि परिवर्तन शुभ है और ये सब स्वतंत्र रूप से ग्रह गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लाभ देने का काम जरूर करेंगे। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893।